तो अभी हम लोग जाने वाले हैं भाई फुल मजे करने के लिए कैंपिंग पे। सॉरी, हम लोग मतलब आप और हम, मैं, आदत सी है ना। लास्ट टाइम जब मैं इस जगह को देख करके गया था तो क्या सुंदर सुंदर नज़ारे थे। अभी देखो यार, सारे के सारे जंगल में आग लगी पड़ी है। पता नहीं कौन ही लगा रहा है यार ये आग, वो भी समझ में नहीं आ रहा है। आग को तो अभी हम क्या ही कर सकते हैं, बुझा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं अकेला हूँ और इस आग को रोक पाना भी मुमकिन नहीं है अभी। और बहुत ज़्यादा दूर भी हो गई जगह है ना, अगर आसपास होती तो मैं ज़रूर से बुझाने की कोशिश करता। फ़िलहाल के लिए आगे की लोकेशन की तरफ पूछ करते हैं, आगे को और चलना है थोड़ा सा और उसके बाद हम अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो जो आज की लोकेशन है वो कुछ स्पेशल है, आपको वहाँ से जो है ना एक इतना ब्यूटीफुल सा विलेज दिखेगा और मज़ा आ जाने वाला आपको बस। ठीक है, दोस्तों फाइनली वी आर इन अवर लोकेशन। और यहाँ पहुँचते पहुँचते भाई टाइम लगा, शूट करने में कुछ टाइम लगा, कुछ टाइम मेरा कहाँ बर्बाद हुआ मैं आपको आगे बताऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए जो है कि यहाँ पहुँच चुके हैं तो भाई रिलैक्स करेंगे। सामने साइड का आपका व्यू दिखाता हूँ। पीछे साइड देखो दोस्तों, पीछे साइड भी पूरी धुंध लगी हुई है और ये पीछे थोड़ा सा ही पीछे ना आग भी लगी हुई है। तो बस ये आग यार इस तरफ को ना आए। जी साग की मैं बात कर रहा हूँ, देखो दोस्तों इधर पे ही पहुँच गई है यार। अब पता नहीं यार ये कितने दूर लगी है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। नीचे साइड तो देखो भाई साहब कितनी आग जो लगी है। ठीक है, वैसे क्या कहते हैं कि इस तरफ को ना जैसे जल रखा है तो इस एरिया पर दोबारा आग नहीं जल लग सकती है। नीचे को हालाँकि चांसेस हैं अभी आग वगैरह पकड़ने के। सनसेट भी हो जाएगा थोड़ी देर में, लगभग मेरे को लगता है कि अभी से आधे घंटे में तो हो ही जाएगा। लेकिन यार क्या मज़ा आ गया यार इस लोकेशन पे। बस एक चीज़ की जो कमी है वो ये है कि भाई अभी हरियाली नहीं है और सभी जगह ना जल करके काला हो गया है भाई सब पहाड़, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। सामने का व्यू अभी दिख नहीं पा रहा है। जिस गांव की मैं बात कर रहा था वो गांव मैं आपको जब क्लियर हो जाएगा ना तभी दिखाऊँगा।
क्या धधक रही है आग भाई। थोड़ा सा काला नमक डालेंगे भाई इस पे। अब इस पे वैसे तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ना नेचुरल जो इसका टेस्ट है भाई वो ख़राब हो जाएगा। ये भी काफ़ी स्वादिष्ट होगा, इतना तो मुझे उम्मीद है ही, है ना। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब जो है कि इसके अंदर मिंट फ्लेवर भी आ चुका है, वाह। वाओ, असली मजे गाइस, मजा आ गया यार सच में। चीयर्स यार, यकीन मानिए बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। सूर्यास्त भी हो चुके हैं, सूर्य भगवान पूरे गायब हो गए हैं, और पीछे साइड से चंद्रमा जी भी आ गए हैं। तो जी दोस्तों, मज़ा आ गया यार इसको पी के तो, है ना। और अभी तक मैंने टेंट भी पिच नहीं कर रखा है, तो टेंट वगैरह तो पिच कर लूँगा भाई, उसमें क्या ही टाइम लगता है। फिलहाल के लिए एक काम करेंगे, आज का जो डिनर बन रहा है ना उसके लिए मैरिनेशन की प्रिपरेशन कर लेंगे, क्योंकि भाई अभी तक मैंने कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि एक दो घंटा लगता है भाई मैरिनेट होने में, उसके बाद ही टेस्ट आता है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। भाई साहब इस तरफ यार, ये क्या है, बाप रे, पूरा जंगल खत्म यार। सेट 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 सेट, फिर पड़ जाएगी आपका हल्दी। और मिर्च, बस मैं गया बाग। भाई साहब इस तरफ से बाघ की आवाज आई है अभी, हे भगवान। क्या करूं मैं, अब समझ नहीं आ रहा। नीचे साइड जो घर में आपको बताया था ना, यहाँ से कुत्ता भी भौंक रहा है, मैं क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं चले जाऊं क्या घर को, देखी जाएगी। इस तरफ को पूरी खाई है होने को तैयार।
पर मैंने आवाज़ सुनी। अभी मेरे को वैसे सामान ज़्यादा खुल नहीं रखा है, निकलना चाहिए, कहीं और कैंप करूँगा। टेंट पीछे हो जाएगा तो थोड़ा रिस्क फ्री हो जाऊँगा मैं, हिम्मत आ जाएगी तो, और तो क्या होगा। मेरे पास कोई साथी नहीं है, दोस्त नहीं है, इस वजह से मैं अकेला चल देता हूँ। और मेरे को इतना एक्सपीरियंस है भाई, उसके बावजूद भी जब कुछ इस तरीके का होता है जंगल में, अक्सर कभी कभी ही होता है, तो तब जो है कि ना अच्छा अच्छा की सिट्टी पिट्टी गोल होती है। देख रहे हो अभी चल रही है हवा, और हवा चलने पे भी ऐसा लगता है ना कि कुछ आसपास घूम रहा है करके। और इस तरफ देखो यार, आग जंगल में फैलती जा रही है भयंकर तरीके से। बड़े बड़ी लकड़ियाँ हैं, पता नहीं अभी जल पाती हैं नहीं जल पाती हैं, देखी जाएगी। अब जो है कि बढ़िया से सेट हो चुका अपना मामला सारा का सारा, और व्यवस्थित हो चुका है। आग भी अपनी जली हुई है, देखो कितनी बढ़िया तरीके से आग जली है। बारीक बारीक टमाटर भी अपने काट लेने हैं, थोड़े से ज़्यादा नहीं चाहिए टमाटर ऐसे, क्योंकि साथ में मैं खीरा ला रखा हूँ तो आधा चाहिए होगा, ज़्यादा तो नहीं लगेगा। इसको भी छील वगैरह लेते हैं कैसा, और फिर उसके बाद अपना बढ़िया से मसाला चिकन की तैयारी करते हैं। आज बनने वाला है भाई मसाला चिकन, ठीक है, तो इसलिए मैंने मैरिनेट करके रख दिया है पहले ही, तो भाई इसको तो 2-3 घंटे लगेंगे है ना, तो इसलिए पहले ही मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। टाइम कब जा रहा है पता नहीं चल रहा है रात में। मज़ेदार। चलो जी, सारी अपनी लगभग लगभग चॉपिंग तो हो चुकी है कंप्लीट, थोड़ा सा बस अब जो हरी मिर्च है तो इसको काट लेते हैं। जीरा, धनिया एंड काली मिर्च, तेजपत्ता हो गया, चक्रफूल ये हो गया। अपनी कुकिंग की तैयारी कर लेते हैं फिर, प्रिपरेशन सारी हो चुकी है। जब से आग जली है ना मेरे को थोड़ा सा चैन है भाई, वरना तो यार आपको पता ही है कि भाई एक बार मन डर जाता है ना तो वो ड्राई रह जाता है। तो मैंने भी अफरा तफरी में भाई टेंट सेट करने के बाद तुरंत से लकड़ियाँ ढूंढी, और किस्मत सही थी कि जैसे तैसे करके 2 बड़े गिल्टे मिल गए मेरे को, तो मैंने सूट वूट कुछ नहीं किया, बस ले आया।
तो जी दोस्तों, आज की रेसिपी के लिए जो है कि मस्टर्ड ऑयल का यूज होगा। मसाला चिकन के लिए जो है कि प्याज को अच्छे से फ्राई करना होता है ब्राउन होने तक, तो इसलिए जो है कि मैं अभी तेल ज़्यादा ले ले रहा हूँ, फिर कम कर लूँगा भले ही, है ना। सरसों के तेल पे ना जो चिकन बनता है उसकी बात अलग है भाई, मज़ा आ जाता है एकदम। आध बज करके 38 मिनट, देख रहे हो इतना लेट हो चुका है, जबकि यार 9 बजे तक मेरा बन जाना चाहिए था खाना, मैंने सोचा भी यही था। खड़े मसाले, मैरिनेटेड चिकन जो कि लगभग 2 घंटे से बाद रेस्ट कर रहा है, 2 से भी ऊपर घंटे हो गए होंगे। ढक देंगे और बढ़िया से अपना हल्की हल्की आंच पे इसको पकने देते हैं जब तक कि सारा जो पानी है वो नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, देखते देखते ही टाइम 9:02 हो चुका है। नहीं, अब और कितना ही टाइम जो लगता है। टमाटर था वो, वाह। क्या गजब बंदा है यार। चलो अभी ना अब इस पे बाकी के मसाले डाल लेते हैं, कुछ मसालों की कमी है, जैसे कि धनिया पाउडर हो गया आपका और चिकन मसाला पाउडर हो गया। चलो जी, तब तो भाई बन चुका है अच्छे से।
अब बस खा लेते हैं और बिना देरी किए वो भी, ठीक है। तो भाई साहब फाइनली शक्ल दिखाता हूँ आपको। हाय 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 हाय, आवाज ये कुछ इस तरीके से, बाकी ले लूँगा भी है ना। परोसन जी अपना शानदार, ये गजब वाला क्या मसाला चिकन। वाह भाई, और चिकन भी भाई अच्छे से पक चुका है, देखो है ना, कमाल का प्लेटर। वाव, क्या बना है भाई। भाई साहब बहुत ही जबरदस्त यार, वाओ, नहीं तो उम्मीद से बढ़ के निकला यार। साथ में सलाद, मैं यहाँ से भागा नहीं, शायद इसी का रिजल्ट ये है। मेरे को ना हो गया है बहम, तो ना दोस्तों आज मेरा यहाँ लेट पहुँचने का जो सबसे मेन कारण था वो ये था कि भाई मेरे को आज खाना यही था, तो बहुत टाइम से मन हो रखा था, कब से खाया नहीं था चिकन वगैरह नॉनवेज, तो मैंने कहा यार आज तो बनेगा तो यही बनेगा, लेकिन शॉप जो थी कि लोकल वाली बंद थी। फिर क्या था, तुम्हारे भाई ने भी यहाँ से लोहाघाट की तरफ कूच कर लिया, यानी कि यहाँ से लगभग 14 किलोमीटर का अप डाउन हो गया, 14 से ज़्यादा का ही है। और उसके बाद जाकर के मैंने वहाँ से चिकन लिया, फिर घर को आया, और घर को आते टाइम भाई बीच में पड़ी कोलीढेल झील। तो ना अगर आप कभी लोहाघाट घूमने आते हैं तो आप इस खूबसूरत सी झील पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर नाव वगैरह पर बैठ सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों यार टाइम भी वैसे तो काफ़ी हो चुका है, लगभग आपका 10:31। सोने के लिए तो मैं यहाँ सो दूँगा, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम काटना है, सुबह 4-5 बजे तो उजाला हो जाता है। लेकिन ना आसपास से एक बार मेरे को स्मेल आई थी अभी जिस टाइम मैं बर्तन धो रहा था, और उसके बाद से मैंने पैकिंग वैकिंग में लगा हूँ, तो बहुत तेज़ गंध आई यार, बहुत ही गंदी भयंकर वाली।
तो आसपास जानवर हो सकता है, इसलिए मैं टाइम से यहाँ से पैक करके निकलना चाहता हूँ, क्योंकि रात में मैं यहाँ नहीं रुकूँगा ज़बरदस्ती। तो आज बड़ा बुरा फंस गया यार, मैं बड़ा बुरा फंसा सच में। या तो मेरे को उसी टाइम निकल जाना चाहिए था। अब दिक्कत क्या है पता है, टेंट वेंट पैक करने में ना इसी चीज़ में दिक्कत होगी बस। यहाँ से मैं स्कूटी के जाने तक का मेरे को थोड़ा सा डर लगेगा, उसके बाद स्कूटी के बाद तो फिर मैं देखूंगा ही नहीं रास्ता, बस मैं गोली हो जाऊंगा यहाँ से। यहाँ से निकलता हूँ यार, पता नहीं अब और कितनी देर होती है यार, जितना लेट होऊंगा ना उतना ज़्यादा मेरे लिए रिस्क बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए तो भाई मैं पैकिंग कर रहा हूँ फटाफट बराबर। तो भाई फटाफट से मैंने यार पैक कर लिया है, इसको पैक करने में भी काफ़ी टाइम लग गया यार मेरे को। बस इस वीडियो से आप भी सीखना यार कि सोलो कैंपिंग में ना जो सबसे बड़ा डर रहता है वो यही रहता है, बस खाना बनाने तक का डर रहता है। उसके बाद आदमी सो जाता है ना, वो डरता नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी नींद नहीं भी निकाल पाऊँगा, मुझे पता है मैं सो नहीं पाऊँगा। यार निकलता हूँ यहाँ से यार टाइम से, क्योंकि टाइम बताऊँ ना आपको 6:40 और 10:46 यानी कि 11 बज जाएगा मेरे को यहाँ से निकलते निकलते। तो लगा लो कि भाई 11 बजे के टाइम पे मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा इस जंगल से, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है पता है। इसके लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। होपफुली मैं अच्छे से घर पहुँच जाऊँ, घर पहुँच जाऊँगा तो भाई आपको वीडियो देखने को मिल ही जाएगी डेफिनेटली। बाकी का फिलहाल के लिए निकलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातराम।